गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यदि आप फ्री में रहना चाहते हैं और फ्री में खाना खाना चाहते हैं। मेरा मतलब ये है कि यदि आप यहाँ आते हैं और आपको यहाँ पर रुकना हो और खाने की भी व्यवस्था हो जाए आपकी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कैसा रहेगा। एक शानदार वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें तो आपको उसका पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा, यदि आप बद्रीनाथ आते हैं और यहाँ पर बस स्टैंड के साथ में ही पिछली साइड में बरनाला वालों का एक भंडारा चलता है और हर साल चलाते हैं और पिछले 18 साल से चला रहे हैं, भूखों को खाना खिलाना बड़ी बात है। और साथ में आप यदि स्टे करना चाहते हैं तो उनके पास रूम भी है और हॉल भी है, तो यदि अवेलेबल होगा तो आपको स्टे भी मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, आप देखें। इसमें मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के मैनेजर से और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाती है, बने रहे वीडियो में। ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है, श्री बद्री विशाल सेवा सदन रजिस्ट्रेशन बरनाला पंजाब, वीरावती भवन धर्मशाला, बद्रीनाथ धाम, जिला चमोली, उत्तराखंड। और यहाँ पर यह संपर्क नंबर भी दे रखा है। और ये जस्ट बस स्टैंड के पास में है, जो बद्रीनाथ बस स्टैंड है बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड है, आपको बस टिकट दिखाई दे रही होगी। यानी बस स्टैंड पे पीछे के रास्ते से, पिछला जो रास्ता निकलता है मेन रोड से नहीं, पिछली साइड में जो रास्ता निकलता है उस पे आते हैं और उस पर आकर के हम राइट हैंड को घूमते हैं, तो ये दूसरा या तीसरा ही बिल्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे देता है। तो इसमें अंदर चलते हैं और इसके जो यहाँ पर कर्ता दर्ता जो मैनेजर हैं उनसे आपको मैं मिलाता हूँ। ये पूरी अंदर का ये है, यहाँ पर ये खाना खिलाते हैं और ये मैनेजर का रूम है, ये मैनेजर साहब अंदर हैं और ये पूरा यहाँ का है। तो मैं आपको मैनेजर साहब से मिलाता हूँ। सर अपना नाम बताइए पहले। राकेश गोयल जी। गोयल जी आप बैठ की बात करें, मैं बैठा हूँ आपके सामने। जी जी, तो ये कब से है अपना ये ये भंडारा हमारा चल रहा है पिछले 18 साल से। 18 साल से चल रहा है जी जी। तो ये यही था या पहले और कहीं था? पहले और कहीं था। और कहीं था, अब ये अपनी खुद की बनाई है। ये बिल्डिंग खुद की बना ली जी। तो यहाँ पर ये जैसे आपने बताया था 5-6 साल से ये यहाँ पर चल रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या क्या होता है एक बार आप बताएंगे भंडारे में? भंडारे में ऐसा कि सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक चाय के साथ ब्रेड वगैरह देती है जी। फिर उसके बाद परौठा वगैरह बनता है जी जी 11 बजे तक जी। फिर 12 बजे से लेके 3 बजे तक मतलब कि लंच चलता है जी जी भंडारे में जी। फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक चाय भी स्नैक्स, दोबारा से चाय और स्नैक्स में यस जी। और उसके बाद रात को 7 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक खाना चलता है। खाना चलता है हाँ जी। तो इसमें कौन खाना खा सकता है, किसको आप? कोई आए, कोई भी, कोई मुसाफिर, कोई मुसाफिर आए, कोई आए जो आया है यहाँ पर। हाँ। किसी धर्म से, जाति से नहीं, नहीं किसी काम से, कौन है क्या है उससे कोई मतलब, हमें कोई मतलब नहीं, कोई खाना खाए जी जी जी, खाना पेट भर के मिलेगा। ओके। अगर कोई रात को 11 बजे के बाद भी आता है तो स्पेशल खाना भी बना बनेगा। ओके ओके, उसको भी यानी भूखे को आप खाना खिला रहे हैं जी, जी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी हाँ जी। और आप कहाँ से है वैसे? बरनाला पंजाब से। बरनाला, जैसे आपका नाम समिति का वो भी बरनाला से ही है जी जी, तो आप भी बरनाला से, बहुत ही बढ़िया। तो ये पंजाब की महानता है कि भूखों को खाना खिलाना, जैसे गुरुद्वारों में आपने देखा होगा, और ये CCTV से पूरा अरेंजमेंट होता है, मैनेजर साहब की पूरा रिकॉर्ड है, यहाँ ये CCTV चल रहा है, सब जगह में कंट्रोल होता है। तो बहुत ही बड़ी बात है ये कि भूखे को खाना खिलाना, ये बड़ी चीज़ है। और ये पंजाब से बेहतर कौन जान सकता है, पंजाबियों से बेहतर कौन जान सकता है, बहुत ही बढ़िया है जी। जी हमारे सारे ट्रस्टी गाने सर जी जी, ये यहाँ के ट्रस्टी हैं जो दिखा रहे हैं। विनोद कुमार सिंगला जी हैं, लखपत राय गर्ग हैं, अमरनाथ जी हैं, ये पंडित शिव कुमार गौड़ जो हैं, मतलब कि जी हमारे पैटर्न हैं जी जी, मेन मतलब के हैं वो। ये पूरा लिस्ट है आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए। और इसमें लोग हैं, इसमें आप देखेंगे ये 84 यहाँ पर होता है और यह 85 है, तो टोटल 85 मेम्बर इसके अंदर हैं जो यहाँ पर इस संस्था को चलाते हैं। और ये सम्मानित कुछ सदस्य भी दे रखे हैं,
तो बहुत ही बढ़िया नेहरू साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। तो यहाँ पर यदि ये मेरा वीडियो देख करके, ये अपना जो वीडियो अभी लोग देख रहे हैं वो यहाँ आना चाहें और यहाँ एक दो दिन स्टे करना चाहें, तो उनके लिए क्या रहेगा? अगर कोई रूम अवेलेबल होगा जो हमने ट्रस्टीगणों के लिए बना रखा है, जी जी बिल्कुल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी जी, तो आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप बद्रीनाथ आते हैं अपनी यात्रा के लिए आते हैं और किसी भी काम के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था हो सकती है यदि अवेलेबल होगा। यहाँ रूम भी है और हॉल भी है, तो यदि आप यहाँ आते हैं और अवेलेबल होगा तो आप मैनेजर साहब से आके मिलें यहाँ पर, तो आपके लिए व्यवस्था हो सकती है। एक दो दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं, यदि आप कुछ डोनेशन देना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप दे सकते हैं सस्ता के लिए, नहीं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं और अपना काम करके जा सकते हैं। ये मैनेजर साहब का कार्ड है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सर ने अभी दिया है मेरे को, तो ये आप देख सकते हैं इसमें नंबर वगैरह सब, और सामने का जो बोर्ड है उस पर भी सर का और पूरा जो है यहाँ पर डिटेल दी हुई है, नंबर भी है। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिया जाता है नाश्ता, दिया जाता है अर्ली मॉर्निंग चाय और नाश्ता, उसका ये आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए। दोपहर में जो खाना दिया जाता है उसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूं, आप देखिए वीडियो में। दोपहर के बाद जो चाय दी जाती है वो भी यहाँ पर मिलती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका ऊपर का हॉल जो है, जिसमें यदि जगह होगी तो आप वहां पर रह सकते हैं, अभी कुछ लोग रुके हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऊपर का हॉल है सेकंड फ्लोर पे, जिसपे लोग रह सकते हैं, ये गद्दे हैं और ये यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो रुके हुए हैं, पूरे हॉल में गद्दों के साथ में कंबल भी दिया जाता है, ठंड बहुत होती है। ये देखिए अब पूरा हॉल जो है वो, अभी तो दोपहर का टाइम है तो कुछ खाली है, लेकिन शाम को ये पूरा भर जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा पूरा, होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी मिली होगी और आपका कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। यदि आप उस रास्ते में होते हैं, वहाँ पर होते हैं, तो आप वहाँ पर
इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।